बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम भाइयों बहनों नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम बुजुर्गों माओ बहनों नौजवानों बच्चों और बच्चियों को सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो हमें कुरान में दिया गया अमर बिल मारूफ कि हमने हक और बातिल की जंग में हक का साथ देना है, तो जिस तरीके से आप लोगों ने फसाइयत के बावजूद इमरान खान के साथ खड़ा होकर हक का साथ दिया, तो मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। हमारी आवाम का हकूक का तहफ्फुज हमारे ऊपर फर्ज है। इसी तरह आवाम का वोट आवाम का मैंडेट उसका तहफ्फुज भी हम सब पर फर्ज है। मैं मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन से अदलिया से इदारों से कि हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। हमारी इस आवाम ने हक के लिए सच के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम आज भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। मेहरबानी करो, अपनी इस्लाह करो, अपना रवैया ठीक करो। पिछले दो साल में जो इस मुल्क को नुकसान हुआ है, चाहे वो माशी तौर पर, चाहे वो रोजगार के हवाले से, चाहे कारोबार के हवाले से, चाहे अमन अमान के हवाले से, और चाहे लाकानूनियत जो इस मुल्क में की गई है, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि हमारी आवाम ने यह सब बर्दाश्त किया। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। हम आज भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन अपना हक अगर हमें नहीं मिलेगा, हमारे लिए बहुत चैलेंजेस है। यहां पर हमने इस सूबे में अमन कायम करना है, हमने इस सूबे में अपने नौजवानों को रोजगार देना है, हमने अपने सूबे की चोरी आवाज पामाल की गई है उनको बहाल करना है, हमने इस सूबे में तरक्की लानी है, हमने सेहत के मसाइल हल करने हैं, तालीम देनी है। अगर अपने हक के लिए हम ऐसे हक के लिए निकलते रहेंगे तो ये काम कौन करेगा? जिस तरीके से आज कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने जमीर की आवाज सुनकर एतराफ किया है और इमरान खान का वो ख्वाब जो उसने देखा था कि मेरी कौम जाग जाए, हक की बात करे, सच की बात करे, आज वो साबित हुआ कि जो एतराफ उसने कर लिया है उसके बाद इस इलेक्शन पर जो सवालिया निशान उठा है, मेरी ये दरख्वास्त है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाते हुए तमाम नतीजे को दुरुस्त किया जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक जो जो उम्मीदवार जिन पे अवाम ने एतमाद किया है, जो इमरान खान के हैं, उनको कामयाब करार दिया जाए और इस मुल्क में वो हुकूमत बनाई जाए जो अवाम चाहती है, जिसको अवाम ने वोट दिया। अवामी हुकूमत ही तब्दीली लाती है, अवामी हुकूमत ही मसाइल का हल निकालती है। और मेरी बाकी तमाम आरोप है कि जो इस जुर्म में शरीक हुए हैं उनसे गुजारिश है कि इस्लाह का वक्त है, कभी भी देर नहीं होती, अभी भी देर नहीं हो, देर नहीं है। आप उठें, आप बात करें, हम आपका साथ देंगे। इस मुल्क में कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, ये हमारा वादा है आपसे। आप हक का साथ दें, सच का साथ दें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं एक वर्कर हूं, मुझे फख्र है इस बात पर कि मैं एक वर्कर हूं। मैं यहां से होकर यहां तक पहुंचा हूं, मैंने बहुत से नारे वहां खड़े होकर मारे आप लोगों के साथ, वहां पे खड़े होकर। मैं आज भी वर्कर हूं,
मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान जो कहता है वो करता है। आप सब के सब इस पार्टी के इंशाल्लाह लीडर बन के यहां पर आ सकते हो। अपने मकसद से नहीं हिलना, अपने मकसद से नहीं हिलना, अपना मकसद, अपना टारगेट, अपना नजरिया नहीं छोड़ना। मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा, ये सूबा तरक्की करेगा और इंशाल्लाह हमारा असल मकसद कि हमारा वो लीडर जो हमारी कौम की आखिरी उम्मीद है इमरान खान, वो आज भी जेल में है, हमारे लिए जेल में है। इंशाल्लाह हम उसको रिहा करवा कर इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की उस मंजिल की तरफ लेके जाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, जिसके लिए हमारे अबाउजदाद ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए आज आप कुर्बानियां दे रहे हैं। मैं इमरान खान के अल्फाज सुनाना चाहता हूं। इमरान खान कहता है ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, ये पुलिस भी मेरी है, ये इदारे भी मेरे हैं। मैं एक पैगाम देता हूं, मैं पैगाम देता हूं कि हमारा मकसद है इस्लाह करना। हम इस्लाह करना चाहते हैं, इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। और फिर जो फिर अपनी इस्लाह नहीं करेगा तो वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। और ये भी सब सुन लें और सब जान लें, हमारे अंदर इमरान खान ने एक सोच पैदा की है, एक नजरिया पैदा की है। कोई भी ये ना समझे कि हमारे दिल को कोई तस्कीन मिलेगी किसी को सजा देकर, हमारा मकसद ये नहीं है। लेकिन हमें सजा इसलिए देनी पड़ेगी ताकि एक मिसाल कायम हो और कोई दोबारा किसी के घर में किसी के बच्चे के साथ, किसी की वालिद के साथ, किसी की मां के साथ, किसी की बहन के साथ वो ना कर सके जो हमारा दिल नहीं मानता। अगर अक्रॉस द बोर्ड हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा निजाम बनाए, एक ऐसा निजाम जिसके अंदर कानून को हाथ में कोई भी ना ले सके, मैं भी ना ले सकूं, आप भी ना ले सकें। ये निजाम जब बनेगा तो हमारा सूबा भी तरक्की करेगा, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और हमें एक इत्मीनान होगा कि हमारे बच्चे एक महफूज मुल्क में हैं, एक महफूज हाथों में हैं। इंशाल्लाह हमने वो निजाम बनाना है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंशाल्लाह तरक्की का सफर शुरू हो चुका है, तरक्की का सफर शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह दमूश खैबर पख्तूनख्वा तरक्की सफर शुरू शो इंशाल्लाह टोलो ना अवल बमू सेहत कार्ड भालो वर्सरा द गरीबानों पर कब पैकेज इमरान खान तरफ ना कलंगर खाने ने कपना गाओ आप फौरन खलास हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मां दावा दादा जो इंशाल्लाह नौजवान तब आप इज्जत बांधे रोजगार मिला रहेगी सरकारी नौकरी नहीं इंशाल्लाह मुंबई वर्ता पल हुकूमत तरफ ना वर्ता कारोबार शुरू को इंशाल्लाह मां दावा दादा इंशाल्लाह तो मुंह पर सुबह के कम से मुई रवायात थी कम ने चादर और चार दीवारी पमार शायदा दवा तक वहां के दाना बाद में इंशाल्लाह चाचे जुलत नहीं कचा तरह से तो सर को बांधे वो गोरी बदल में मुझे ना खलू मुझ पर इसलाह कहू इसलाह जरूरी था दा मुझ ना पारा जरूरी था मुझ पर छो पारा जरूरी था इंशाल्लाह खवातीन ना पारा देता ऐलान कमा जो मुझ कम शरिया कुक दी ते खवातीन कम ते कानूनिया कुक दी अगो ते ना मिला जी तो दा वादा कमा जे इंशाल्लाह खवातीन तबा टोल कानूनी या शरिया कुक दा पारा हुकूमत पर फ्री ऑफ कास्ट मुकम्मल असिस्टेंस वगैरह इंशाल्लाह जायदाद के हक कचा मां खोरता चा मां लूटता पर जायदाद हक न मिला जी दा सुबह दा हुकूमत बा अख फलो पैसों बांधे अख्ता हक दा बराबर जंग गई अब पैसा बा लगे इंशाल्लाह दगना इलावा जदा ऐलान कवा जदा ऐलान कवा कदर सुबह चे
तो टोलो पाने दी मवारी दा तो टोलो पाने चरणगाह पल हक दा पारा तासो जंग कड़े दे कचोक तासो रिश्वत वाली अखिलाफ जंग को कतासो मलगरी ने चोरी रिश्वत वाली ज्यादा कई अल दबारा जंग को जबत तासो शादे दरेगा इंशाल्लाह दा तासो दी मवारी दा ठेकेदार कार कई अकार ठीक लगेगी दातासो दी मवारी दा तासो रुकाओ को दाताओ फरम आया इंशाल्लाह तासो बदी मवारी आ खलो तासो बदी मवारी आ खलो इंशाल्लाह दसु बेचे यू दासे निजाम बरा वलू इंशाल्लाह दासे निजाम के इंशाल्लाह दुनिया दे मिसाल वर की के इंशाल्लाह मुझ पछताना खलग यू मुझ पर पछतो पहेजू मुझ पर इज्जत पहेजू मुझ हक मेहनत वाड़ू बख्वास वाड़ू अगर बयान मिला रहेगी तो जोर है वाड़ू पे इंशाल्लाह दा टोल दे पख्तूनख्वा द मुई बा टोल तंजीमान द मा टोल यूथ द मा टोल आईएसएफ द मा टोल खवातीन विंग द मा आईएलएफ द मा डॉक्टर विंग द मा लेबर विंग द टोल विंग द मा कैबिनेट यो तासो बा मसला दरे जो तासो बा अखबल हक द पारा सुबह जे ट्रांसफर सीधा पारा करप्शन खत्म हो पारा दास से बकार कहो चरंगा तासो दे काबिने मेंबर यो टोल बतासो तो दा इख्तियार दे कवा लगे आया कतासो हक दा पारा तरे जो करप्शन खिलाफ तरे जो हकूक दा पारा तरे जो तब इंशाल्लाह तासो तरे जा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अकबर लीडर इमरान खान दा मुई बक सत्ता तो कमे कुर्बानी अगो मुई दा पारा करी दी मुई बा दा कुर्बानी पखपल मेहनत पखपल खिदमत अखपल हक अखपल आईनी हकूक फसल वालो फसल अच्छे भाई इंशाल्लाह दस तो फिर शेवर करो इंशाल्लाह वो से नारा हुआ है वो नारा जो पता हो लगे जी वो लगो नारा इमरान तेरे चार सर 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 इमरान खान पाकिस्तान तो सो टोल जिंदाबाद जिंदाबाद डेरा मेहरबानी